स्वागत है आपका करंट अफेयर विद आकर्ष में। आज के यानी 5 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर को जानेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर वन, केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी तीनों, मोगी जी बावेंडी, लुइस इब्रस और एलेक्सी आई एकिमोव, इन तीनों साइंटिस्टों को केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इन्हें क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के संविधान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर टू, भारत के बाहर बीआर अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा कहां लगी? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। अमेरिका में बीआर अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। इस प्रतिमा का नाम स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी है। ये प्रतिमा 19 फीट की है और इसे 13 एकड़ की भूमि पर इसका निर्माण किया गया है। इसके मूर्तिकार राम सुतार हैं। अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का ये हिस्सा है और 14 अक्टूबर को मैरीलैंड में इसका अनावरण किया जाएगा। 14 अक्टूबर 1956 में ही बीआर अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, इसीलिए यह दिन चुना गया है अनावरण के लिए। क्वेश्चन नंबर थ्री, आईसीसी ने वर्ल्ड कप के लिए किसे वैश्विक राजदूत बनाया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए वैश्विक राजदूत बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर फोर, एशियन गेम्स 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। एशियन गेम्स 2023 में नीरज चोपड़ा ने 88.88 मीटर का भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता। क्वेश्चन नंबर फाइव, ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति को ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली ये पहली महिला बनी है। ये इंफोसिस के सह संस्थापक एन आर नारायण मूर्ति की पत्नी है और ये एक लेखिका भी हैं। 2014 में नारायण मूर्ति जी को भी यह अवार्ड दिया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्रिकेट का ईरानी कप 2023 किसने जीता? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शेष भारत। शेष भारत ने ईरानी कप 2023 जीता है। क्वेश्चन नंबर सेवन, पीएम स्वनिधि योजना ने कितने स्ट्रीट वेंडरों को कवर करने का लक्ष्य हासिल किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 50 लाख। ये माइक्रो फाइनेंसिंग है जो 50 लाख के लक्ष्य को पूरा कर चुकी है। इसकी शुरुआत 1 जून 2020 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर एट, नाथ द्वारा में पर्यटक सुविधाओं का उद्घाटन किसने किया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही पर्यटक सुविधाओं का उद्घाटन किया नाथ द्वारा में। नाथ द्वारा में शिवजी की सबसे बड़ी प्रतिमा है जिसकी ऊंचाई 369 फीट है और इसका नाम विश्वास स्वरूपम है। क्वेश्चन नंबर नाइन, एशियन गेम्स 2023 में महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में पारुल चौधरी ने कौन सा पदक जीता? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। पारुल चौधरी ने 5000 मीटर महिलाओं की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता और इनकी तस्वीर है। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय वन जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 से 8 अक्टूबर तक राष्ट्रीय वन जीव सप्ताह मनाया जाता है और इसकी थीम पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 11, एशियाई खेल 2023 में अन्नू रानी ने महिलाओं की जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। अन्नू रानी ने महिलाओं की जेवलिन थ्रो में 69.92 मीटर का भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता। क्वेश्चन नंबर 12, कहां के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को जीआई यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला?
सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। ये एक पश्मीना शॉल की तस्वीर है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत और बांग्लादेश की सेनाओं ने कहां पर संयुक्त अभ्यास संप्रीति शुरू किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। मेघालय में भारत और बांग्लादेश की सेनाओं ने संयुक्त युद्धाभ्यास संप्रीति किया। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 अक्टूबर। हर साल 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 अक्टूबर। हर साल 4 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाता है। इस साल किसकी थीम ग्रेट और स्मॉल लव देम ऑल है। चलिए आ जाते हैं आज के इतिहास की ओर। भारतीय इतिहास की प्रसिद्ध वीरांगनाओं रानियों में से एक रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी को आज ही के दिन 1676 में इंग्लैंड के राजा से मुंबई में भारतीय मुद्रा डालने का अधिकार मिला। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस में 5 अक्टूबर 1793 को ईसाई धर्म विस्थापित हुआ। स्पेन ने 5 अक्टूबर 1796 में इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। भारत में ब्रिटिश राज्य के दूसरे गवर्नर जनरल व कमांडर इन चीफ लॉर्ड कॉर्नवालिस का गाजीपुर में निधन 5 अक्टूबर 1805 को हुआ। कलकत्ता शहर में आज ही के दिन 1864 में चक्रवात से लगभग 50,000 लोगों की मौत हुई। सिनेमेटोग्राफर का पेटेंट कराने वाले लुइस जियांग ल्यूमिरे का जन्म 5 अक्टूबर 1864 में हुआ। ओजोलोटी क्रॉस ने आज ही के दिन 1880 में पहले बॉल पॉइंट पेन का पेटेंट कराया। पुर्तगाल की राजशाही खत्म हो गई और गणतंत्र की स्थापना आज ही के दिन 1910 में हुई। पुर्तगाल की राजशाही खत्म हो गई और गणतंत्र की स्थापना आज ही के दिन 1910 को हुई। फ्रांस में महिलाओं को आज ही के दिन 1944 में मताधिकार मिला। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशकाबाद में 5 अक्टूबर 1948 में आए भूकंप से 11 लाख लोगों की मौत हो गई। ब्राजील में संविधान सभा ने आज ही के दिन 1988 में संविधान का को मंजूरी दी। तिब्बत में 14वें दलाई लामा तेनजिन ग्यासो को 5 अक्टूबर 1979 को मानवाधिकार क्षेत्र के कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। भारत ने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी CTBT पर होने वाले विशेष बैठक में शामिल होने से मना कर दिया आज ही के दिन 1999 में। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।